भाभी क्या हुआ? कोई अदालत में भूत देख लिया क्या? भाभी लुबना ने शादी से इनकार कर दिया। तुमने बात की थी उससे? मैं अभी उसके स्कूल से होकर आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि बात बड़ों में रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी एक बात जान ले, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ लुबना से। आप उसे मनाएं। वो तो कह रही है उसका निकाह होने वाला है। निकाह? देखो फुरकान, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैं यहाँ तुम्हारे सामने तुम्हारे घर पर हूँ, वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा मुझे कोई अंदाजा नहीं है। भाभी आप अभी वहाँ जाएं और सबको मनाएं। हयात अंकल से कहें कि आमिर से उसका रिश्ता खत्म करें। देखो फुरकान, ये बातें इतनी आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रही है। लड़की वालों के लिए लड़कों वालों की जुबान ज्यादा अहमियत रखती है। लुबना सही कहती है, आप चाहती ही नहीं कि मेरी और लुबना की शादी हो। ऐसी बात नहीं है, मैं कोई मुनासिब मौका देखूंगी तो बात कर लूंगी। कौन सा मुनासिब मौका? जब उसका निकाह हो जाएगा तब। मुझे लगता है कि तुम्हें ये बात मम्मी बाबा से करनी चाहिए, उनकी जुबान की ज्यादा अहमियत है। मम्मी पापा वो कह रहे हैं जब तक लुबना का रिश्ता खत्म नहीं होगा वो रिश्ता लेके नहीं जाएंगे। I'm sorry फुरकान, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। इसको तो मैं इसके घर वालों के सामने जलील करवाऊंगी। अस्सलामुअलैकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ हो? कभी याद भी कर लिया करो मुझे। जिनको ज्यादा मोहब्बत होती है वही फोन करते हैं। इसका मतलब आपको मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। बिल्कुल अभी जैसी बातें करती हो तुम। अच्छा जल्दी से बताओ, तुम और अरसलान कल फ्री हो ना? मैं खाने पर बुलाना चाह रही थी। जब से तुम्हारी शादी हुई है मैंने तो खाने की दावत ही नहीं दी। हाँ इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है, हम किसी और दिन आ जाएंगे। आ गई तुम और बुला लिया मैंने। कल मैं इंतजार करूंगी, अरसलान को लेकर टाइम से पहुंच जाना। ठीक है ठीक है।